हेलो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं 2023 का न्यूली लॉन्च होंडा डियो 125 सीसी का स्टैंडर्ड बेस मॉडल। और इसी के जस्ट बगल में खड़ा हुआ है डियो 125 सीसी का एच स्मार्ट टॉप मॉडल। तो टॉप मॉडल के मुकाबले आपको स्टैंडर्ड बेस मॉडल में क्या क्या चीज़ें अलग मिलती हैं, क्या क्या फीचर्स अलग मिलते हैं, माइलेज कितना देता है, दोनों की ऑन रोड कीमत कितनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो डीओ है वो स्टिकर में है वाइट कलर के साथ, और यहाँ पर रेड कलर के ग्राफिक्स आपको मिलेंगे। नीचे में होंडा का स्टिकर है, यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर को शामिल किया गया है। 171 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है और 104 किलोग्राम का ये पूरा का पूरा स्कूटर है। यहाँ पर 125 का ग्राफिक्स है जिसमें रेड कलर को भी शामिल किया गया। थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रीमियमनेस दिखाने के लिए यहाँ पर कार्बन फाइबर टच को शामिल किया गया है। अब स्कूटर के फ्रंट से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर जो वाइजर आप देख रहे हैं ये पियानो ब्लैक फिनिश में है, और इसकी जो हाई इंटेंसिटी LED DRL है ये स्प्लिट में मिलती है, जबकि 110 में आपको सिंगल पीस वाली मिलती है। यहाँ पर होंडा का स्टिकर दिया गया है और पूरा का पूरा ये जो ऊपर वाला एप्रेन का जो पार्ट है वो भी चेंज कर दिया गया, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में है, और हेलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। टोटल LED हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। आगे वाला जो मडगार्ड है इसके ऊपर भी रेड कलर और वाइट कलर के ग्राफिक्स मिलेंगे। पहली चीज़ मैं आपको नोटिस करा देता हूँ, जैसा कि ये स्टैंडर्ड बेस मॉडल है तो यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है, 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है बेस मॉडल में। लेकिन ये जो एच स्मार्ट टॉप मॉडल है तो यहाँ पर आपको 190 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। दूसरा, यहाँ पर 90/90/12 का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, 12 इंच का ब्लैक कलर का एलॉय है। एलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर आपको टॉप मॉडल में भी देखने को मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि ये टॉप मॉडल है डी ओ 125 एच स्मार्ट, यहाँ पर सब कुछ आपको 3D में देखने को मिलेगा क्रोम के साथ। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड बेस मॉडल है यहाँ पर जो डी ओ है वो सिर्फ आपको स्टिकर के साथ मेंशन देखने को मिल जाएगा, बाकी यहाँ भी आपको ESP की ब्रांडिंग मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई एच स्मार्ट वाले वेरियंट में आपको किक स्टार्ट का लीवर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ आपको सेल्फ स्टार्ट का ही फीचर्स दिया गया है। लेकिन अगर आप डीओ 125 का ये स्टैंडर्ड बेस मॉडल में लेते हैं तो यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का लीवर भी मिल जाता है, जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एक और अंतर की बात करूँ तो जैसा कि स्टैंडर्ड डीओ बेस मॉडल है तो यहाँ पर आपको जो की पॉइंट है वो आपको चाबी वाला मिलता है, इसमें आपको 2 चाबियाँ मिल जाती हैं, और जो फ्यूल का और जो सीट को अंडर स्टोरेज करने के जो बटन वगैरह हैं वो आपको सेम मिलते हैं। लेकिन अगर आप एच स्मार्ट वेरियंट में जाते हैं, टॉप एंड वाले वेरियंट में जाते हैं, तो यहाँ पर जो चाबी वाला जो सिस्टम है वो आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वाला मिलता है। यहाँ पर एच स्मार्ट वाली आपको 2 रिमोट की मिल जाती हैं, जिससे आप इसको काफ़ी सेफ्टी वाले तरीके से इसको ऑपरेट कर पाएंगे। इसके मीटर कंसोल की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड बेस मॉडल में भी और एच स्मार्ट टॉप मॉडल, दोनों ही मॉडल में आपको सेम फुल डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप मिल जाता है। और ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर में इको इंडिकेटर, आइडल स्टॉप स्टार्ट की वार्निंग की लाइट यहाँ पर शो हो रही है, साइड में चेक इंजन की लाइट दी गई है, और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर है, यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया है, नीचे में आपको डिजिटल फ्यूल गॉज मिल जाता है, ऑडोमीटर ट्रिम मीटर मिल जाता है, घड़ी मिल जाती है। बाकी अदर फीचर्स की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको रियल माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, और इसमें अब आपको रेंज भी देखने को मिल जाएगी। मोटा मोटी माइलेज की बात करें तो 45 तक का ये स्कूटर आपको 1 लीटर में माइलेज निकाल कर दे ही देगा। बाकी अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सर्विस ड्यू रिमाइंडर मिल जाएगा, पासिंग अपर टिपर एक ही बटन में मिलेगा, यहाँ पर इंडिकेटर, और हॉर्न भी इसका काफ़ी लाउड है। ये है पीछे वाली ब्रेक का लीवर, और यहाँ पर जो ग्रिपिंग आपको मिलती है ये काफ़ी सहायक है लॉन्ग राइड में। सबसे पहले इंजन और एग्जॉस्ट के साउंड को सुना देता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ट्विन बैरल टाइप का एग्जॉस्ट मिलता है, ये मेटल है ये फाइबर है। तो सबसे पहले आइडल कंडीशन में साउंड सुने, अभी मैं थोड़ा सा रेस देता हूँ। तो आपको इसका साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसके बूट को ओपन करने के लिए आपको चाबी को 1 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और ऊपर वाले बटन को दबाएंगे तो इसका जो फ्यूल कैप है पीछे वाला यहां से आसानी से ओपन हो जाएगा। इसमें
5.3 लीटर की एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग का यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर E20 का स्टिकर लगा हुआ है, जैसा कि ये E20 OBD2 वाला मॉडल आप देख रहे हैं। अब मैं आपको इसकी सीट के अंडर स्टोरेज को भी यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ। तो लगभग यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी USB चार्जर या फिर बूट लाइट नहीं मिलेगी। जो टूल किट है वो सीट के निचले वाले हिस्से में प्लेस की गई है। पीछे में स्प्लिट वाले यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं, और जो टेल लाइट का जो सेटअप है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको होंडा ग्रेजिया 125 से लिया गया है। इंडिकेटर भी आपको हैलोजन में मिलेंगे, टेल लाइट भी आपको पूरी की पूरी हैलोजन में मिल जाएगी। इसके पीछे वाले टायर के ऊपर में एक बड़ा सा टायर हगर दिया गया है। यहाँ पर 3-स्टेप एडजस्टेबल यूनिट स्विंग हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन है जो कि एडजस्टेबल है। दूसरा ये है इसका एयर फिल्टर का सेटअप। इस स्कूटर में आपको किक स्टार्ट का लीवर मिल जाएगा, जैसा कि ये स्टैंडर्ड बेस मॉडल है, लेकिन अगर आप इसका एच स्मार्ट वाला वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको किक नहीं मिलेगी। और यहाँ पर 90-100-10 प्रोफाइल का ट्यूबलेस टायर है, 10 इंच का एलॉय व्हील है, 130 mm की ड्रम ब्रेक है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 123.92 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रॉक BS6 फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया है, जो 8.28 PS की मैक्स पावर देता है 6,250 RPM पर, और 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 5,000 RPM पर। अब होंडा की जो स्कूटर हैं वो सबसे ज़्यादा इसलिए सेल होते हैं क्योंकि इनके जो इंजन है वो काफ़ी रिलायबल होते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं, अगर आप इनको प्रॉपर टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं तो। अब मैं आपको DO125 का सी टाइट टेस्ट करके बता देता हूँ। जैसा कि स्कूटर के ऊपर में जो मैडम बैठी हुई हैं, इनकी पूरी की पूरी हाइट है 5 फिट 6 इंच, और उनकी हाइट है 5 फिट 1 इंच, और स्कूटर में आपको 765 mm की सीट ऐड मिल जाती है। 5 फिट 6 इंच के हिसाब से बात करें तो इनके जो दोनों पैरों के जो पंजे हैं, जो दोनों एड़ियां हैं, वो एकदम पूरी तरीके से फ्लैट ज़मीन को टच कर पा रही हैं। अब मैं आपको 5:1 के हिसाब से सीट ऐड को भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपकी हाइट 5 फिट के आसपास है, मतलब ये मैडम की जो हाइट है वो है 5 फिट 1 इंच, और इनके जो दोनों पैरों के जो पंजे हैं, सिर्फ पंजे ही यहाँ पर जो है वो ज़मीन से टच हो पा रहे हैं, जो एड़ियाँ हैं दोनों पैरों की वो एकदम से टच नहीं हो पा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी हाइट 5 फिट 1 इंच या 5 फिट 0 इंच के आसपास है तो आप इस स्कूटर को चला सकते हैं। तो प्राइस की बात करें तो होंडा DO125 cc स्टैंडर्ड OBD2 बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत है 84,200 रुपये, और इसकी ऑन रोड कीमत है 1,851 रुपये। इसी के जस्ट बगल में जो खड़ा है होंडा DO125 H-Smart OBD2 टॉप मॉडल, इसकी एक्सोरूम कीमत है 92,100 रुपये, 92,100 रुपीज़, और ये स्कूटर आपको ऑन रोड मिल जाएगा 1,09,553 रुपये में। अब देखा जाए तो दोनों की ऑन रोड कीमत में 8,500 रुपये का अंतर है। इस हिसाब से आपको कौन सा स्कूटर लेना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली आसपास से हैं, अगर आप होंडा का कोई भी स्कूटर या बाइक लेटेस्ट वाली खरीदना चाहते हैं तो आप Cloud9 होंडा टू व्हीलर शोरूम मध्यम ग्राम जयसोर रोड में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे लेटेस्ट स्कूटर अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।